नमस्कार। इस वीडियो में हम फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक सेल तीन प्रकार का होता है, फोटोइलेक्ट्रिक सेल और फोटोइमिसिव सेल, फोटोकंडक्टिव सेल्स और फोटोइंडक्टिव सेल्स, और तीसरा फोटोवोल्टिक सेल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स, मेंशन इट्स एप्लीकेशंस और राइट नोट्स ऑन 1. फोटोइलेक्ट्रिक सेल और फोटोइमिसिव सेल, 2. फोटोकंडक्टिव सेल और फोटोइंडक्टिव सेल, 3. फोटोवोल्टिक सेल। पहला है फोटोइमिसिव सेल। इसमें एक कांच का बल्ब होता है जिसके अंदर कैथोड और एनोड होता है। कैथोड सी और एनोड ए से हमने सूचित किया हुआ है। ये बाहर के रेसिस्टेंस आर, गैल्वेनोमीटर जी और बैटरी बी से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख लेते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स और द फोटो इमिसिव सेल्स इज शोन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब हुज इंटरनल सरफेस इज कोटेड विथ ए थिन लेयर ऑफ एन अल्कली मेटल एच सोडियम सेशियम एटीसी। दिस लेयर इज फोटो सेंसिटिव एंड एक्ट्स एज द एनोड कैथोड ऑफ द सेल। एल्यूमिनियम इज फिक्स्ड विथ स्ट्रेंथ वायर इन द सेंटर ऑफ द बल्ब विच एक्ट्स एज द एनोड। द कैथोड एंड द एनोड आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल बैटरी बी, रेसिस्टेंस आर एंड गैल्वेनोमीटर जी। यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं, इसमें एक कांच का बल्ब है जो कोटेड है एल्कली मेटल से, यानी सोडियम अथवा सेशियम हो सकता है ETC। ये लेयर फोटो सेंसिटिव होता है और कैथोड की तरह कार्य करता है। एल्यूमिनियम जो इसके मध्य भाग में स्ट्रेंथ वायर की सहायता से फिक्स किया हुआ है, यह एनोड की तरह कार्य करता है। और ये एनोड और कैथोड बाहर के बैटरी बी, गैल्वेनोमीटर जी और रेसिस्टेंस आर से जुड़े रहते हैं। अब ये कार्य कैसे करता है उसको देखते हैं। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाइजर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मेड टू फॉल ऑन द कैथोड ऑफ द सेल, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। दिज इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवार्ड्स द एनोड एंड सो ए करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट। दस फोटो इमिसिव सेल्स एक्ट्स एज ए स्विच इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, फ्लो ऑफ करंट कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड बाय लाइट, हैंस सच ए सेल ऑल्सो कॉल्ड फोटो रेसिस्टिव सेल। फोटो इमिसिव सेल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वैक्यूम टाइप, दूसरा होता है गैस फिल्ड टाइप। नाम से ही स्पष्ट है, एक में वैक्यूम होगा यानी जो बल्ब है उसके अंदर, और दूसरे में कोई इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस भरा होगा, यानी गैस फिल्ड टाइप। पहला है वैक्यूम टाइप। इन दिस टाइप बल्ब इज केप्ट इवैक्यूएटेड इन विच करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इमीडिएटली आफ्टर द लाइट इज इंसिडेंट एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हैंस दिस सेल इज मोस्ट सुटेबल फॉर फोटोमेट्री एंड इन टेलीविजन। दूसरा है गैस फिल्ड टाइप। इन गैस फिल्ड टाइप सम इनर्ट गैस एज आर्गन और नियॉन इज फिल्ड इन द बल्ब इन विच करंट इज सम व्हाट लार्जर ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ द गैस बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दिस टाइप ऑफ सेल इज used in cinematography and in the recording and reproduction of sound. दूसरा है फोटोकंडक्टिव सेल। इसमें एक सेमी कंडक्टर होता है जो ट्रांसपेरेंट फॉइल ऑफ मेटल के नीचे स्थित होता है, और इन दोनों का कम्बिनेशन यानी सेमी कंडक्टर और ट्रांसपेरेंट फॉइल ऑफ मेटल, इन दोनों का कम्बिनेशन एक मेटल प्लेट के ऊपर फिक्स्ड रहता है, और ये बैटरी बी और रेसिस्टेंस आर से जुड़े रहते हैं जैसा चित्र में दर्शाया गया है। फोटोकंडक्टिव सेल कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ सम सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड बिलो ए ट्रांसपेरेंट फॉइल ऑफ मेटल एज शोन इन फिगर। द कम्बिनेशन इज फिक्स्ड ओवर एन आयरन प्लेट, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ एंड नहीं एन आयरन प्लेट होगा। दिस सेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट वेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सम सेमीकंडक्टर एज सेलेनियम लेड सल्फाइड ATC।
इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट फॉयल द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर लेयर इज रिड्यूस्ड, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड। हेंस ए करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द बैटरी सर्किट कनेक्टेड बिटवीन द आयरन प्लेट एंड द ट्रांसपेरेंट फॉयल। द करंट चेंजेज विथ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा है फोटोवोल्टिक सेल। इसमें एक कॉपर प्लेट होता है जो सेमी कंडक्टिंग लेयर ऑफ CU2 से कोटेड रहता है, और ये कम्बिनेशन एक सेमी ट्रांसपेरेंट फॉयल AG के नीचे फिक्स्ड रहता है, और ये रेसिस्टेंस R से जुड़ा होता है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। फोटोवोल्टिक सेल कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर प्लेट कोटेड विथ ए थिन लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। दिस प्लेट इज प्लेस्ड बिलो ए सेमी ट्रांसपेरेंट थिन फॉयल ऑफ सिल्वर एज शोन इन फिगर। व्हेन एक्सटर्नल लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द ऑक्साइड लेयर द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द लेयर मूव्स टुवर्ड द सिल्वर फॉयल। देन द सिल्वर फॉयल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द कॉपर प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो ए पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड बिटवीन द टू एंड करंट इज सेट अप इन द एक्सटर्नल सर्किट हुज स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दिस सेल सप्लाइज करंट विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF यानी बैटरी। इट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फर्स्ट एप्लीकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा टेलीविजन एंड फोटो टेलीग्राफी। सेकेंड यूज, दे आर यूज इन ऑटोमेटिक डोर्स एज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स ऑटोमेटिकली। थर्ड यूज, दे आर यूज टू डिटरमाइन कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फोर्थ, दे आर यूज इन फोटोइलेक्ट्रिक काउंटर्स। फिफ्थ, दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक आई और थिप डिटेक्टर बेल। सिक्स नंबर, दे आर यूज इन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग लाइट इल्यूमिनेशन। सेवेंथ, दे मे बी यूज टू कंपेयर डार्क विटिस एंड वाइट फेसेज। एट्थ, दे मे बी यूज टू सॉर्ट आउट आर्टिकल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। नाइन्थ, दे आर यूज इन ऑटोमेटिक स्विचेज फॉर स्ट्रीट लाइट। एंड टेंथ एप्लीकेशन, दे आर यूज इन स्पेस ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट ड्यूरिंग स्पेस ट्रेवल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।